हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल के सौजन्य से उनके जन्मदिन के अवसर पर 25 अप्रैल को नागरिक अस्पताल पलवल में शुरू की गई कैंटीन रोजाना सैकड़ों लोगों को बेहतरीन भोजन उपलब्ध करा रही है। फरीदाबाद नवचेतना ट्रस्ट द्वारा संचालित रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने वाली कैंटीन महाराजा अग्रसेन स्नेह भोजनालय में रोजाना 5 रुपए में छोले चावल और 10 रुपए में कटोरी दाल सब्जी से भरी थाली उपलब्ध करवाई जा रही है। थाली में क्या क्या अंतर है? ये थाली 10 रुपए की थाली में आपकी आज है कड़ी चावल, रोटी सब्जी, अच्छा, और सलाद। और 5 रुपए में खाली दो दो रोटी लेना चाहे वो 2 रोटी ले सकता है, खाली कड़ी चावल लेना चाहे 5 रुपए कड़ी चावल खा। तो अगर किसी के पास या 10 रुपए या 5 रुपए बाय द वे किसी के पास नहीं होते तो क्या वो हम फ्री में खिलाए? फ्री में खिलाते हैं, हाँ। अच्छा, भोजन में मेन्यू में क्या क्या सब्जी बनती है आपके? मेन्यू में पूरे हफ्ते का बता दूँ? पूरे हफ्ते का बता दीजिए। पहले आइए, सोमवार को हम देते हैं छोले चावल रोटी सब्जी रायता सलाद, मंगलवार को राजमा बनता है, राजमा चावल रोटी सब्जी और सलाद रायता, बुधवार को दाल बनती है, आज वीरवार है, आज कड़ी चावल बने हैं, कड़ी चावल रोटी सब्जी और रायता, वो सलाद सॉरी रायता नहीं बनता वीरवार, कल बनेगी दाल शुक्रवार को, हाँ शुक्रवार को दाल चावल रोटी सब्जी रायता सलाद सब कुछ। शनिवार को काले छोले बनते हैं, काले चने, वो चावल रोटी सब्जी और रायता सलाद। संडे को दाल चावल, दाल चावल। जो ये आपके यहाँ जो आटा होता है, आटा कौन सा आटा होता है? कौन सी चक्की वाला आटा होता है? अच्छा, चक्की का आटा लगाते हैं जी हमारे, वो दूसरा आटा नहीं चलता। आमतौर पर कहा जाता है इतना सस्ता भोजन है तो सब्जियाँ भी सड़ी गली होंगी। नहीं जी, आप चेक कर सकते हो, अच्छा आप वीडियो बना सकते हो, अच्छा जो भी सब्जी है हमारी सब रखनी है, फ्रिज में सब्जी रखती है, हरी सब्जी फ्रिज में रखते हैं हम, जैसे तोरी हुआ, घिया घिया हुआ और टमाटर हुए, ये फ्रिज में रखते हैं, आलू वगैरह ये बाहर। फिर क्या वजह है कि इतना सस्ता भोजन? एक कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ती होगी आपकी। ये सर जी ऐसा है, ये फरीदाबाद की नवचेतना ट्रस्ट है जिसके सौजन्य से ये खाना चल रहा है, तो वो उनका ऐसा जगह क्या है क्या नहीं है तो सेवादार। यहाँ आने वाले लोगों ने बताया कि सचमुच यहाँ का खाना साफ सुथरा और लजीज होता है, अपने घर के खाने जैसा शुद्ध और नमक मसालों रहित होता है। यहाँ कैंटीन में उच्च क्वालिटी का सस्ता भोजन सभी को भा रहा है। बहुत अच्छा है, 10 रुपए में कोई भी गरीब आकर अपना पेट भर सकता है। यहाँ पे खाने में कोई कंप्लेंट नहीं है। हम मैं ANM हूँ, मैं जब भी आती हूँ CMO ऑफिस में यहाँ का खाना खा के जरूर जाती हूँ। आप अपने घर में भी किचन संभालती हैं? हाँ जी। क्या फर्क महसूस किया आपने यहाँ पर? यहाँ का खाना ना तो मिर्च मसाले बिल्कुल लाइट होते हैं, होता है बहुत अच्छा। यहाँ पे देखा है मैंने, जो ये महाराजा का अग्रसेन भोजनालय है, ये विपुल गोयल जी ने करवाया है, इसमें खाना बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैंने खुद चेक किया है तो लोग इसे खा के खुश रहते हैं और सस्ता भी है, तो गरीब इंसान कोई आएगा अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो खुश होकर ले सकता है। आप एक गृहिणी भी हैं, आप रसोई भी संभालती होंगी, घर के घर संभालती भी हैं, हाँ जी। क्या फ़र्क देखा आपने यहाँ पर, कुछ देखा फ़र्क? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, जो घर खाना हम घर में खाते हैं वही खाना हमें यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप जो ये महाराजा अग्रसेन भोजनालय, इसके बारे में क्या दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो भी यहाँ के मेष हैं या जो भी इस खाना को जो बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बना रहे हैं, हम इस चीज़ से देख बहुत ही खुश हैं, हमारी जनता भी बहुत स्वाद से इस खाने को पसंद कर रही है। आसपास के प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले अधिकांश कर्मियों ने घर से टिफिन लाना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि नागरिक अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ में अधिकांश ने भी घर से दोपहर का भोजन लाना बंद कर दिया है। कैंटीन का कार्यभार देखने वाले कन्हैया लाल ने बताया कि 7ों दिन अलग अलग सब्जियां बनाई जाती हैं। हालांकि काम शुल्क रखा गया है लेकिन यदि किसी के पास भोजन के लिए पैसे नहीं होते तो उसे फ्री भोजन कराया जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कपिल। कपिल जी, आपने खाना खाने खाना खाने के लिए आए हैं, कैसा महसूस किया आपने खाना? कपिल जी बहुत ही अच्छा बनाते हैं, हम यहाँ पे सारे भाई अप्रेंटिस बेस पे लगे हैं CMO ऑफिस में, अच्छा डेली बेस काम लंच करने के लिए यहीं पे आते हैं, खाना घर से नहीं लाते हैं, खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। किस वजह से नहीं ले आते घर से? घर की कोई कमी महसूस नहीं होती इस खाने में, सारा ही मिर्च मसाले एकदम अच्छे होते हैं।